नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरोग्य आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर महावीर MD का चिकित्सा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज हम बात करेंगे राजस्थान आयुष UG काउंसलिंग 2022-23 के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स को, जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉट हुए हैं उनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उन डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की दो सेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज की आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जरूरत पड़ेगी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है नीट 2022 स्कोर कार्ड, नीट 2022 एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, 10th 12th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, 10th 12th की मार्कशीट। उसके बाद में आपका आईडी कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट और PSU कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आपका आईडी कार्ड चलेगा। फिर है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर कास्ट सर्टिफिकेट लागू होता है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो दो पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लगाई है, PH या PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PH का या PWD सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सन सर्टिफिकेट, डिफेंस या पैरामिलिट्री का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, EWS का सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग परफॉर्मा 9 ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प ऑफ ₹50, ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर परफॉर्मा 9 अंडरटेकिंग बनवा के लाना आपको, एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर लेके आने हैं रिपोर्टिंग के टाइम, चाहे राउंड फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या इससे राउंड हो। अब इसके बाद में आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर की तरफ से एक लेटर दिया जाएगा कि आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग की है और आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा है, आपने कितनी क्या फीस जमा कराई है उन सब का, तो उसके लिए आपको इस प्रकार का लेटर दिया जाएगा। यहाँ से इसमें लिखा है राजस्थान नीट आयुष UG PG काउंसलिंग बोर्ड 2022, यूनिवर्सिटी का नाम और एडमिशन 2022, फी रिसिप्ट, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीस की डिटेल्स, आपने कब कब कितने जमा करवाए हैं, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, कैटेगरी, राउंड और DD डेट, DD का अमाउंट, और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करवाए हैं उनके डिटेल्स इस लेटर के अंदर होंगी। ये लेटर आपको अलॉटेड कॉलेज के अंदर लेके जाना है, वहाँ पे एडमिशन के लिए ये जरूरी है। तो राजस्थान आयुष UG काउंसलिंग के लिए आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या मेरे से सोशल मीडिया या YouTube में कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।